हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला SBI बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज भेज करके। तो एक छोटा सा मैसेज भेजना है और किस नंबर पे भेजना है ये भी बताने वाला हूँ। तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और इस चैनल से आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आया था कि बैलेंस हमारा कट गया है, अगर आपका भी बैलेंस वगैरह अगर आप बिना बताए आपका कट जाता है बैलेंस वगैरह मैसेज मिलता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सक डायरेक्टली जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक में और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दे ताकि आपका जो भी बैलेंस कट हुआ है वो आपको रिटर्न मिल सके। RBI के तहत अगर आपका 3 दिन के अंदर कंप्लेंट करते हैं तो आपका बैलेंस मिल जाएगा चाहे किसी भी हालत में कटा हो। तो ये जानकारी आपको देना ज़रूरी था इसीलिए मैंने दिया। तो चलिए आप जानते हैं कि मिस कॉल देकर बैलेंस मैसेज भेज करके कैसे चेक कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9223766666। और उस पर मैसेज में क्या टाइप करना है, मतलब इस नंबर पर आपको मैसेज भेजना है और मैसेज में आपको टाइप करना है, मैसेज में आपको कैपिटल लेटर में BAL, और जैसे ही इसे लिख करके सेंड करेंगे आप अपने नंबर से, तो ध्यान रखिएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका जो बैंक में दिए होंगे, उससे आप इस पर सेंड करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। और गाइस बहुत लोगों को पता नहीं होता कि रजिस्टर मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाती है, तो घर बैठे अगर चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर मैं बना चुका हूँ तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें आपको मिल जाता है तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर ये वीडियो के बाद मैं आपको बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।